You will have to go to Wagha checkpoint and cross from there. I must tell you that you need a passport and a visa. I need a passport to see my home where I was born and brought up. कि मुझे ऐसा लगता है घर जो है वो ना जगह है ना लोग हैं, वो एक याददाश्त है. घर एक उम्र के बाद सिर्फ एक याददाश्त है. आप उन्हीं लोगों के साथ सेम लोकेशन पे वापस चले जाइए, वो घर नहीं है. तो आप छोड़ के एक बार, अगर या तो आप वहीं रहो, पर अगर एक बार आपने वहां से अपना पेड़ी उठा ली ना, आपने अपने अपना अपनी कुर्सी अगर वहां से उठा ली, वहां आप लगाओ, शिप ऑफ थीसिस वाली बात है, आप वापस जाके वहीं पे जाएंगे, वो घर है ही नहीं वहां पे. क्योंकि घर एक याददाश्त है आपकी, एक सेफ्टी का, एक कंफर्ट का, एक वार्म की खुशबू है उसकी. एक घर ना, जब आपका घुटने में चोट लगती है और आपकी जब अपनी माँ आपको गोद में उठाती है, आपके पिता जब आपको गोद में, उस गोद से जो दिखता है ना, वो घर. When Abhi was born and I held him for the first time in my hands, it seemed that he has wiped off all the horrors and bad things of my life. और उतना ही वो याददाश्त में, ना आप गोद में उठाने लायक हो, ना आपके माँ बाप जो है आपको गोद में उठाने लायक है. लेकिन ना वो मौसम है, ना वो दिन है, ना वो लम्हा है, घर है ही नहीं अब कहीं पे. एक उम्र के बाद आपका घर कहीं नहीं होता, आपको घर बनना पड़ता है. What about our home, our village? Nothing left. Nothing left except the land. अब आपका घर कहीं है नहीं, आपको घर बनाना पड़ेगा, आपको घर बनना पड़ेगा, आप लोगों का घर बनना पड़ेगा आपको. जब आप दूसरों का घर बनोगे तब आपको अपना घर मिलेगा. सबको प्यार करते हैं, उन्हें प्यार मिलता भी है, लेकिन वाकई वो दिखावा ना हो. हाँ, आजकल के युग में तो दिखावा है.